हिंदू धर्म में पांच देवताओं को पंचदेव की संज्ञा दी गई है, यानी कि वे बहुत प्रमुख माने गए हैं। वे हैं गणेश, सूर्य, दुर्गा, शिव और विष्णु। इन्हीं पांच देवताओं में से एक प्रमुख देवता भगवान सूर्य नारायण हैं, जिनकी घर घर में पूजा की जाती है। और कोई कुछ विशेष पूजा करे या ना करे, लेकिन प्रायः हर हिंदू स्नान के बाद सूर्य भगवान को अर्घ के तौर पर जल जरूर देते हैं। सूर्य एकमात्र ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं जो हमें प्रतिदिन आसमान में दिखाई देते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत के कुछ प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों के बारे में, जिनकी असीम महत्ता है और दूर दूर से लोग वहां दर्शन करने को आते हैं। इन सूर्य मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि वहां पूजा करने से मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं। आइए जानते हैं भारत के कुछ प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों के बारे में। पहला, कोणार्क का सूर्य मंदिर। भारत के सूर्य मंदिरों में से कोणार्क का सूर्य मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। सूर्य देव के सवारी में घोड़े होते हैं, जिनकी संख्या 7 बताई जाती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर रथ के आकार का बना है, जिसमें 7 घोड़े हैं। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। इस मंदिर में मध्यकालीन भारत के वास्तुकला का अनुपम नमूना देखा जा सकता है। कोणार्क का यह सूर्य मंदिर विशिष्ट शिल्प कला और आकार के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि इस मंदिर में किसी देवता की मूर्ति नहीं है और पूजा भी नहीं होती है। कहा जाता है कि यहाँ के मूर्ति को पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में स्थित रखा गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। ब्रह्म वंद्य देव मंदिर। यह सूर्य मंदिर उन्नाव में है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने को आते हैं। माना जाता है कि चर्म रोगी यहाँ आकर अगर पूजा करें तो उनके रोग तत्काल खत्म हो जाते हैं, इसलिए यहाँ रोगियों के भक्तों की भीड़ लगी रहती है। असम का सूर्य मंदिर। यहाँ सूर्य पहाड़ नामक हिल स्टेशन पर मंदिर है, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। इस मंदिर में सूर्य के अलग अलग कई आकृति देखने को मिलती है। यहाँ पर हमेशा दर्शकों की भीड़ लगी रहती है। रनकपुर का सूर्य मंदिर। यह राजस्थान के उदयपुर से लगभग 98 किलोमीटर दूर रनकपुर में स्थित है। यह सूर्य मंदिर जैन धर्म के लोगों ने बनवाया था, जो नागर शैली में सफ़ेद संगमरमर से बना है। रांची का सूर्य मंदिर। रांची टाटा के सड़क मार्ग पर बुंडू के पास यह सूर्य मंदिर है, जो रांची से 39 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर का निर्माण सूर्य भगवान के साथ घोड़ों और उनके रथ के 18 पहियों पर विद्यमान सूर्य के रूप में किया गया है, जो काफी नैनाभिराम लगता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में मेला लगता है, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है। ओंगाड़ी का प्रसिद्ध सूर्य धाम। बिहार के नालंदा जिले के ओंगाड़ी और बड़गांव में सूर्य भगवान का प्रसिद्ध धाम है। यहाँ पर एक तालाब भी है, जिसमें स्नान के बाद लोग भगवान भास्कर की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस सरोवर में स्नान से कुष्ठ जैसी अनेक बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इसी कारण यहाँ देश के कोने कोने से दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और मंदिरों में पूजा करके अपने रोगों से मुक्ति पाते हैं। झालरा पाटन का सूर्य मंदिर। राजस्थान में झालावाड़ से सटे एक शहर है, जिसका नाम झालरा पाटन है। इस नगर में स्थित यह सूर्य मंदिर प्रमुख दर्शनीय स्थानों में से एक है। इस मंदिर की वास्तुकला भी निराली है। झालरा पाटन का यह सूर्य मंदिर मालवा के परमार वंश के राजाओं ने 10वीं सदी में बनवाया था। इस सूर्य मंदिर में भगवान विष्णु की भी प्रतिमा गर्भगृह में है। इस मंदिर को पद्मनाव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू का मार्तंड सूर्य मंदिर। मार्तंड सूर्य मंदिर, यह मंदिर मध्यकाल में 7वीं से 8वीं सदी में बनाया गया था। इस मंदिर की वास्तु और स्थापत्य कला अद्वितीय है। सूर्य मंदिर मोढेरा। यह मंदिर गुजरात में अहमदाबाद से करीब 100 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि इस मंदिर को सम्राट भीमदेव सोलंकी प्रथम ने बनवाया था। यहाँ पर इस संबंध में एक शिलालेख भी है। सोलंकी सूर्य वंश में से थे। वे सूर्यदेव की अपने कुल देवता के रूप में पूजा करते थे, इसलिए उन्होंने यह भव्य मंदिर का निर्माण कराया था, जो आज मोढेरा में प्रसिद्ध है। देव औरंगाबाद का सूर्य मंदिर। बिहार के औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड में स्थित यह प्राचीन सूर्य मंदिर है, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। बिहार में तो यह बेहद प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इस देव के सूर्य मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं किया था और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण सिर्फ एक ही रात में पूरा कर दिया था। देव का यह एकमात्र सूर्य मंदिर पूरे देश में अकेला है, जहाँ मंदिर का द्वार पश्चिम की ओर खुलता है। छठ के पर्व पर देव के इस सूर्य मंदिर में भारी भीड़ उमड़ती है। भगवान सूर्य के इन मंदिरों के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा? आप इन मंदिरों के बारे में क्या जानते हैं? इनके अतिरिक्त किसी सूर्य के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।